आजकल भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार लोकसभा चुनाव 2019 के मैदान में नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव इन दिनों दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस दौरान उनसे हुई बातचीत में राजनीति और लालू यादव के परिवार के लिए खेसारी लाल यादव ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने उनके साथ हमेशा से ही गलत व्यवहार किया है। भोजपुरी हीरो खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव पर भी अपनी भड़ास निकाली, जबकि उन्होंने कहा कि लालू यादव को मैं हमेशा से मानता हूं और उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन लालू परिवार के लोगों के लिए मेरे दिल में कोई भी इज्जत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव केवल जातिगत राजनीति के अलावा और भी कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव से मैं बहुत दुखी हूँ, उन्होंने मेरे किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया। मुझ पर पत्थर मारे गए, लेकिन पत्थर मारने वालों को ही तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया। तेजस्वी यादव ने कभी मुझे अपना भाई ही नहीं समझा, तो फिर मैं क्यों उन्हें समझूं? लालू यादव की तबीयत कभी खराब होती थी तो खबर मिलते ही मैं तुरंत पहुंचता था, लेकिन उनके परिवार वालों ने हमेशा मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। उन्होंने बिहार में विकास नहीं होने की वजह से लालू परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव ने क्या काम किया है ये उनके पिता बता सकते हैं, लेकिन लालू परिवार ने बिहार में सिर्फ जाति की राजनीति की है, बिहार के लोगों में जाति का जहर घोल दिया है। उन्होंने सवाल भी किया कि बिहार और यूपी में लालू और मुलायम के ही बच्चे क्यों मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या यादवों में और कोई काबिल नहीं है? ये लोग जातिगत राजनीति करके यूपी बिहार में हालत खराब कर दिए हैं। लोगों को जातिगत राजनीति से बचने की जरूरत है। भोजपुरी हीरो खेसारी लाल यादव ने कहा कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसलिए मैं मनोज तिवारी के लिए प्रचार कर रहा हूँ। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मनोज तिवारी का उनके जीवन में बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए उनके आदेश पर ही मैं कहीं भी गया हूँ और उनके आदेश पर ही काम करूँगा। उन्होंने सभी लोगों से वोट डालने की अपील की और जातिगत राजनीति से दूर रहने की सलाह दी।